एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते होंगे कि इस तरह के सवाल आय व्यय पर अक्सर पूछे जाते हैं। तो कैसे इस सवालों को करते हैं, आइए समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि वह व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है तथा व्यय भी 15% बढ़ जाता है, तो बचत में जो है वो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। बचत में पहले से कितना इफेक्ट जो था प्रतिशत में परिवर्तन निकालना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले समझना है क्या कि आय व्यय के क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि आय दे दिया गया है, यहाँ पे उसका आय का कितना खर्च करता है, उसके बाद व्यय, और तीसरा लाइन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो बचत का होगा। अब आप एक बात को यहां से परसेंटेज वैल्यू से समझेंगे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। आप जानते होंगे कि अगर 60% के फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। 3/5 का मतलब ये होता है कि यदि वह व्यक्ति, ठीक है ना, 5 रुपए टोटल कमाता है, यानी कि अगर जब आप आय का 60% करता है, इसका मतलब कि जितना आय है उसका 60% खर्च करता है। तो जब आप 60% के फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ते हैं तो वो आता है 3/5, ठीक है। तो ये जो आपका दिखाएगा वो इनकम यानी आय को दिखाएगा, और ये जो चीज दिखाएगा वो किसको शो करेगा, तो व्यय को शो करेगा, क्योंकि आय का ही 60% खर्च करता है, ठीक है। तो आय कितना हम मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं 5, और व्यय को कितना मान लेते हैं, 3। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि आय में से व्यय को जब घटाते हैं तो बचत मिलता है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो बचत कितने का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात को समझना है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। अब उसने क्या कहा है कि आय 15% बढ़ती है, तो अगर हम 5 में 15% की वृद्धि करने के लिए जाएंगे तो 15 × 75 = 100 हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो परसेंटेज डेसिमल में चला जाएगा, यानी कि पॉइंट में कैलकुलेशन जाएगा, और जैसे ही पॉइंट में आपका कैलकुलेशन जाएगा तो जो आपका स्पीड है वो गड़बड़ होगा। इसीलिए क्या करना है कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी तो रेशियो है और रेशियो ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे 2-2 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है वो बिल्कुल आसान भाषा में निकल के आ जाए। अब क्योंकि 5 का 15% निकाल रहे थे तो फ्रैक्शन आ रहा था, मतलब कि डेसिमल आ रहा था, अब आप इसका जब निकालेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से क्या है कि ये कितना बढ़ता है, पहले इसके बारे में चेक करिए आप। तो देखिए 15% बढ़ता है, अगर ये 15% बढ़ता है तो 15% का मतलब कि 500 का कितना बढ़ता है वो आप समझिएगा, तो 500 का बढ़ता है ये कितना, 15%, तो 15/100 यानी 15 × 75, यानी कि ये 75 यूनिट बढ़ जाता है, ठीक है, बात को समझिए। तो यहां पर अगर आप दिखाना चाहें तो ये पूरा कितना बढ़ता है, 575 हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या, हम यहां से व्यय जो है वो भी 15% बढ़ जाता है, तो व्यय भी 15% बढ़ता है, यानी कि 300 का 15% ये भी बढ़ेगा, तो 15 + 3 कितना हो ही जाएगा, 45, यानी 45 जो है वो व्यय बढ़ता है। तो आप ओवरऑल आंकड़ा निकाल सकते हैं कि बचत में कितने का वृद्धि होता है। तो देखिए यहां पर आय में 75 का वृद्धि हुआ और व्यय में 45 का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब कि बचत में कितने का वृद्धि हो रहा है ये तो पता चल जाएगा यहां से, क्योंकि 75 में से 45 हम घटा देंगे तो पता लग जाएगा कि जो बचत हुआ है वो वृद्धि कितने का हुआ है, 30 का हुआ है। तो 30 का बचत हुआ है कितने पे, 200 पे। अब आप देखेंगे कि बचत परसेंट हमको निकालना है कि प्रतिशत परिवर्तन, तो पहले 200 हो रहा था बचत, अब 200 से 30 अधिक हो रहा है, तो बचत कितना अधिक हो रहा है पहले से, यानी कि बचत पहले 200 हो रहा था, अब बचत जो है वो 230 हो रहा है, तो कितना अधिक हो रहा है, 30। किसने मतलब कि पहले वाला जो बचत कितना था वो 200 था, अब यहाँ पर 200 है, अब इंटू कितने से कर देंगे, 100, तो यहाँ पर से ये जो दोनों था वो कट जाएगा और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15% का वे क्या करता है, बचत कर लेता है। बात समझ में आ गया, तो बचत में जो प्रतिशत परिवर्तन आया है वो कितने का आया है, तो 15% का आया हुआ है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा।